मैं चाहूंगा कि माननीय मुखर्जी जी महोदय का स्वागत करें। माननीय उपायुक्त महोदय, जो भी है इस धरा पर सब तेरे बाद है, ये धरा तेरे कारण ही आजाद है। ऐसे उजाले तूने वतन को दिए, तेरा दीपक सा जलना हमें याद है। श्रीमती शांता जैन, धर्मपत्नी श्री स्वर्गीय श्री महावीर जैन हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनको उपायुक्त महोदय सम्मानित कर रहे हैं, जिनके त्याग तपस्या और बलिदान से भारत ने अपनी बेड़ियां तोड़ी है, गुलामी की और आजादी प्राप्त की। श्रीमती रामप्यारी धर्मपत्नी बनवारी लाल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब मौजूद है, सीजन साहब मौजूद है। मैं बहुत आदर के साथ गुजारिश करूंगा सर, आप प्लीज एक बार उपायुक्त महोदय के साथ सेनानियों और युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित करें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्री आरपी गोयल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, माननीय सौरभ। एक बार फिर से मेरी गुजारिश है जी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने देश पे अपने प्राण न्यौछावर करके हजारों बलिदानियों को साथ यह देश हमेशा याद करता रहेगा। राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में महात्मा गांधी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनेक ऐसे राष्ट्र भगत हैं जिनका योगदान भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थितियों से उभरने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया। इससे नए रोजगार के मौके मिलेंगे जिनका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा। कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन, मेडिकल उपकरण, कोविड वैक्सीन का देश में निर्माण करके भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम भारत ने उठाया है। ये बहुत खुशी और हर्ष का दिन है क्योंकि आज के दिन हम अपनी आज़ादी का 75वां त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए। आज के दिन हम उन सब वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज पूरा देश उनके प्रति नतमस्तक है, उनको सब सब नमन। इस गौरवमयी मौके पर ध्वजारोहण करना एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। इस गौरवपूर्ण मौके पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश के वीर सपूतों के बलिदान स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान एक नए युग में प्रवेश किया, एक नए हिंदुस्तान का जन्म हुआ। इसमें भारतवर्ष की नींव रखी गई, नए भारतवर्ष की और आने वाली पीढ़ियां इनको युग युग तक याद रखेंगी। आज़ादी की इस लड़ाई में शहीद होने वाले सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हम तहे दिल से नमन करते हैं। सवार होने का इंतजार और ये परेड का निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ललित शिवाजी आईएएस, उनके साथ जिला के पुलिस कप्तान श्री जसदीप रंधावा और परेड कमांडर डॉक्टर रविंद्र कुमार। मुख्य अतिथि महोदय, परेड का निरीक्षण करने के उपरांत परेड कमांडर और जिला पुलिस कप्तान के साथ मुख्यमंत्री
हरियाणा पुलिस महिला की पहली टुकड़ी सब इंस्पेक्टर अंजलि के नेतृत्व में सेवा सुरक्षा और सहयोग, जिसका प्रतिनिधि सीडीआई श्री राजवीर और एसआई धर्मवीर ने काफी तवज्जो के साथ मेहनत के साथ इन टुकड़ियों को तैयार किया है। हरियाणा पुलिस पुरुष पीएसआई मनीष के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हुए और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा पुलिस के साथ खड़े रहने वाले गृहरक्षी हरियाणा सब इंस्पेक्टर बलराज सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज सलामी मंच के सामने से गुजर गए। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, फूल उड़ाते जाते हैं। एनसीसी सीनियर डिवीजन सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल छोकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हुए और ये एनसीसी सीनियर विंग जिसका प्रतिनिधित्व सीनियर अंडर ऑफिसर हिना कर रही है, 12 हरियाणा बटालियन हिंदू कॉलेज आईटीआई एचवीएम गर्ल्स कॉलेज और हिंदू गर्ल्स कॉलेज के ये छात्र छात्राएं हवालदार सुनील ढाका सुनील दहिया नीतू नशियर प्रियंका कपिल बुधवार जो उनकी तैयारी करवाई कैप्टन संजय छोड़ा और विशाल दहिया एनसीसी सीनियर विंग जूनियर विंग किरण के नेतृत्व में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोहाना हिंदुस्तान गर्ल्स गाइड प्रियंका का नेतृत्व जिनको राज्यपाल पुरस्कार मिला और हिंदुस्तान स्काउट के नाम लिख दे, अगर तेरे पास नहीं है कलम और स्याही तो लिख खंजर और मेरे जिगर के खून से लिख दे। उनकी शहादत को नमन है। हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार मौजूद और धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ताराचंद गांव पीपली खेड़ा सोनीपत गन्नौर